हेलो स्टूडेंट क्लास फोर्थ साइंस का चैप्टर फोर्टीन बसवाज़ फॉर्म आज हम ये स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसका मीनिंग भी समझाऊंगी आई एम भसवा माई फादर इज़ अ फार्मर वी लीव इन बेलविका विलेज इन कर्नाटक इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई लाइक एवरी ईयर अपा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू

मैं कर्नाटक के वेल, बेल बेलविका वनिका गांव में रहता हूँ मेरे अप्पा किसान हैं इट इज मंथ ऑफ जुलाई जुलाई का महीना है हर बार की तरह इस तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन खेती खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जैसे हम हमारे हम भी करते हैं जब खेत होता है या फिर कोई गमला होता है उसमें कोई पौधा लगाने के लिए कोई बीज लगाने के लिए हम क्या करते हैं उसको गुड़ाई करते हैं है ना फिर वहाँ पे बीज या फिर वो पौधा लगाते हैं उसी तरीके से क्या किया अप्पा ने अप्पा ने क्या किया जो खेत था उसको गुड़ाई करी और वहां पे फिर जो प्याज है उसको लगाने के लिए तैयारी करी अब पढ़ेंगे हम सोइंग seeds। इसके बाद स्टार्ट करते हैं दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड मतलब कि अपा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे द द बल्विक्स विल पुल द कुरेज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड दैम बैल जो होंगे कु, कुरेंज को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज भी, बीज डालते जाएंगे अप्पा को इस तरह कुरेंजे में बीज डालते देख मेरा भी ऐसा करने का मन करता है स्प्रिंग स्प्रिंग द सीड्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू दिस मतलब कि मेरा भी ये करने का मन करता है जस्ट लाइक माई फादर जस्ट लाइक माई अप्पा बट अपा सेज दैट इट इज़ अननेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट द रेगुलर डिस्टेंस मतलब कि पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ अप्पा मुझे बीज डालने देते कहीं मेरे हाथ बीज डालने नहीं देते कहीं मेरे हाथ से ज्यादा बीज ना गिर जाए क्योंकि क्या है थोड़े थोड़े बीज हमें क्या करना चाहिए डालना चाहिए हमें एकदम से बीजों को नहीं डालना चाहिए दिस इज नॉट सो इजी टू डू ही सीट्स एट वन प्लेस इट मस्ट वेट little ओल्डर टू बी एबल टू दिस properly. मतलब कि ये सब करने के लिए मैं क्या हूँ अभी छोटा हूँ तो थोड़े थोड़े बीज गिराना मुश्किल है तो पता नहीं मैं कब कर पाऊंगा ऐसा इसके बाद स्टार्ट करते हैं द सेप्राउट्स अपेयर इट इज नाउ ट्वेंटी ईयर सोन द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू ओनियन प्लांट प्लाट हैव हैल्सो कम एंड गार्डन्स विदाउट बींग प्लांट अपा से दैट वी मस्ट रिमूव द बीट्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वॉटर एंड फर्टिलाइजर इफ देअर आर टू मैनी बीट देन दोनियन प्लाट विल नॉट बी हेल्थी अप्पा अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द बीट्स मतलब जो बीज थे जो बीज बोए लगभग क्या है बीस दिन हो गए थे तो प्याज के क्या है छोटे छोटे पौधे निकल आए थे साथ ही निकल आए हैं खतपर खतपत वार। तुम जानते हो ना खतपरवार तुमने किसी खेत या बगीचे को देखा होगा कि पौधे बिना बोए अपने आप ही उगने उग, उगने के हैं लग जाते हैं इसी तरीके से कुछ होते हैं जैसे वही होते हैं खतपतवार जैसे अप्पा कहते हैं कि इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है नहीं तो सारा जो खाद है वो क्या है खाद पाने के है खतपतवार ही ले लेंगे और प्याज की फसल कम हो जाएगी मैं भी खतपतवार निकालने में अप्पा और अम्मा और काका की मदद करूँगा ग्रोइंग प्लांट आई आई एम हैप्पी टू सी द प्लान दे आर टेल लव टू रीच माई नीज द लीवस हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप दिस मीन्स डैट द ओनियन रेडी टू बी टेक आउट मतलब कि हर रोज पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी हो रही थी अब तो ये पौधे खूब सारे जो जो बड़े हो गए थे वो क्या है मेरे घुटने की तक की ऊंचाई तक पहुँच गए थे पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं एवरी वन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम इफ वी आर लेट द ओनियन विल रूट इन द ग्राउंड इट्स एंड ऑल आवर अवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड मतलब कि जो प्याज है प्याज क्या है तैयार पौधे को निकालना है जो प्याज है हमें क्या है एक तैयार हो चुका है उसको हमें क्या है निकालना है प्याज की फसल से हम क्या है हमें हर तरीके से काम आती है बहुत अधिक जरूरी है अम्मा अपा काका छोटी बहन और मैं सभी कहे जुटकर जुट कर काम करेंगे प्याज नहीं प्याज नहीं निकालेंगे तो सारे प्याज के हैं जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे इसलिए वो क्या है सारी मेहनत उनकी क्या है बेकार हो जाएगी इसलिए क्या है वो उससे प्याज को अब निकालेंगे इसके बाद है द ओनियन क्रॉप Everyone at home is happy. This time the onions are big and healthy. Amma and auntie use the elege. It cut the dried leaves from the top of the onion. The ilage the sharp are, uh, and you have to be careful careful not to cut your finger. Appa and uncle fill the sacks with uh, onion. Appa will take them in a trunk to see sell. Uh, इन बिग मार्केट मतलब कि जो आ, आ, जो प्याज है वो है कि आ, आ, वो कह सब कहते हैं कि अरे इस बार तो वो क्या है बहुत छोटे 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 और मोटे मोटे क्या है प्याज निकले हैं तो घर में क्या है सभी बहुत खुश हैं कि बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं और क्या है अम्मा और जो छोटी माँ है वो क्या है इलिंग ये एक वहाँ की अपनी लोकल भाषा का जो वर्ड है कि मदद से प्याज को क्या है पौधे को अलग अलग कर रहे हैं एक तरीके से कहा जाए कि प्याज को उससे अलग करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं इलिंग कह के पौधे को अलग कर रहे हैं हाथों में क्या है उन्होंने इलिंग पर ध्यान रख करके चलाना चाहिए क्योंकि वो बहुत शार्प होता है उससे हमारा हाथ भी कट सकता है इसलिए क्या है हमें इसको अच्छे से चलाना चाहिए नहीं तो हमारा क्या हाथ कट जाएगा अप्पा और काका ने मिलकर प्याज की बड़ी बड़ी क्या है बोरियों में भर प्याज रख दिया है जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है और क्या है अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए क्या है ट्रक में ले जाएंगे दैट्स इट अब आप इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको करवाऊंगी थैंक यू